बिहेवियर किसका बिहेवियर? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का बिहेवियर। ऑब्वियसली एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, राइट? हमने उसको रिक्रूट किया है, हमने उसको हायर किया, हमने उसको सिलेक्ट किया है, तो एज पर कंपनीज गाइडलाइन एम्प्लॉय को चलना पड़ेगा, ठीक है? हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर ली है कि हमें हमने स्ट्रेटेजी बना ली है कि हमें नया मार्केट कैप्चर करना है, ठीक है? हमें एम्प्लॉय को वहां पे भेजना है, स्टडी करनी है, कस्टमर की स्टडी करनी है, मार्केट की स्टडी करनी है, कॉम्पिटिटर की स्टडी करनी है, ठीक है? अगर कोई एम्प्लॉय वर्क रिलेटेड काम नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो बिहेवियर एस्पेक्ट के तहत हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बिहेवियर एम्प्लॉय का चाहिए वो बिहेवियर के साथ एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि यू चेंज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी के मुताबिक क्या होना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है सिलेबस में? बेटा हेडिंग डालिए डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर स्ट्रेटेजी। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर स्ट्रेटेजी। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एज पर डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशनल के बाद क्या है सर? स्ट्रक्चर एज पर स्ट्रेटेजी। एलिमेंट्स क्रिएट। सर आपका आवाज सर स्टार्टिंग से बताइए ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेडिंग भी सर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर स्टार्टिंग से। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपका आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर मेरी आवाज आ रही है। हाँ अभी। ओके लिखिए डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर स्ट्रेटेजी। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर स्ट्रेटेजी। फाइव एलिमेंट्स एक्सप्लेनेशन है इसका। हाँ फाइव एलिमेंट्स creates an organizational structure organizational structure जॉब डिजाइन कॉमा जॉब डिजाइन कॉमा डिपार्टमेंटेशन
डिपार्टमेंटेशन डिपार्टमेंटेशन डेलीगेशन डेलीगेशन कॉमा स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या सर स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन स्पैन एस पी ए एन स्पैन स्पैन ऑफ कंट्रोल कॉमा एंड चेन ऑफ कमांड एंड चेन ऑफ कमांड चेन ऑफ कमांड stop these elements comprise These elements comprise an organizational chart an organizational chart and create the organizational structure itself and create the organizational structure itself organization ki baat kya hai sir structure itself Structure itself, full stop. Departmentation refers to the way an organization structures to the way an organizational structure its job to coordinate work sir aapki voice its
जॉब टू कोऑर्डिनेट वर्क. सर कोऑर्डिनेट देन क्या सर? वर्क डब्ल्यू आर के वर्क सर वो इसलिए नहीं आ रही आपकी. रही है? हेलो अभी आ रही है क्या? हाँ सर. लिखो शुभांगी वर्क. वर्क हाँ. कोऑर्डिनेट के बाद सर? कोऑर्डिनेट वर्क. हो गया सबका? हाँ सर. यस सर. नीचे के लाइन में लिखो पैराग्राफ करके. बेटा नीचे के लाइन में लिखिए पैराग्राफ करके. एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर defines the basic defines the basic functional logic of the organization. Functional logic of the organization. सर लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल लॉजिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It defines organization ke baad sir. It defines how an organization strategy आवाज नहीं आ रही सर जी. मेरा नेटवर्क तो फुल है. कट कट के आ रही. डिफाइन के बाद बताइए. तो ये कहाँ तक लिखा? डिफाइन
ऑर्गेनाइजेशनली डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन Strategy and scope are strategy and scope are strategy and scope are Strategy and scope are translated into different activities. Translated into different different activities. Different activities. To be performed by different units different units and how those units are link and shape Link and shape to achieve a common goal. Common goal. GOAL. Common
सर गोल ना? हाँ बेटा हो गया बेटा सबका? यस सर। हाँ सर। मुझे बताइए अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो कौन से ऐसे 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 फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते समय स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते समय कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंट करते समय कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। मेरा सवाल समझा? हाँ सर। आंसर दो। आंसर दो। आंसर दीजिए बेटा। स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते समय ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं? बताओ। प्लानिंग। गुड। कोऑर्डिनेशन। ओके वेरी गुड। ये कौन बता रहा है? सर मैं। स्वाति ना? हाँ बता। गुड। कंट्रोलिंग। ओके सही थी पता है। और कोई बेटा? शुभांगी ट्राई। ऑर्गेनाइजिंग। वेरी गुड सर। डायरेक्टिंग। जयश्री। हाँ सर। आप ट्राई करिए। बताए ना सर ऑर्गेनाइजिंग। क्या सर? बेटा और भी फैक्टर है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते समय एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं? कंट्रोलिंग। हो गया ना बेटा बता दिया।
ठीक है, लुक, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बेस पांच फैक्टर से मेन कनेक्ट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बेस पांच फैक्टर से बहुत कनेक्ट होता है, जॉब डिजाइन, डिपार्टमेंटाइजेशन, डेलीगेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड। ओके, ये पांच जो फैक्टर होते हैं ये बेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय अपने वर्क को प्रॉपर परफॉर्म करता है, राइट। अपने वर्क को प्रॉपर परफॉर्म करते समय उसे कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी ऑलरेडी उसे बता के रखती है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, आप अपना 100% स्किल यूज करिए, आप अपना 100% दीजिए, ताकि कम से कम मिनिमम रिसोर्सेस का यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट ले सके, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का बेसिक ही होता है जॉब डिजाइन, डिपार्टमेंटाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसका कंपनी की तरफ से उसको इंस्ट्रक्शन रहता है कि मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट हमको कंपनी से लेना है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का बेसिक चार पांच डिपार्टमेंट से होके गुजरता है, चार पांच डिपार्टमेंट से होके गुजरता है। कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एचआरएम कल्चर बेसिक, राइट। ऑर्गेनाइजेशन एचआरएम कल्चर मतलब हम हमारे कंपनी के एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये तो हमारे कंपनी का बेस हुआ ना। अगर हम एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो ही एम्प्लॉय आउटपुट दे पाएगा। ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी हमारा एक रिसोर्सेस ही है, मेन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिसोर्सेस। और हम ये बोल रहे हैं कि मिनिमम रिसोर्सेस में, मतलब हमारा जो रिसोर्सेस है वो कम से कम लगना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, ध्यान में रहता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं जिसपे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या रहता है, डिपेंड रहता है। स्ट्रैटेजी बना ली है, मैंने आपको कल ही एग्जांपल दिया था, साउथ का मार्केट कैप्चर करना है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, वाओ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, हमें साउथ का मार्केट कैप्चर करना है। बट ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वही काम करेंगे ना उसके लिए। ऑर्गेनाइजेशन का बेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑर्डिनेट किसके किसके साथ करना पड़ेगा, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था। अगर किसी एम्प्लॉय की कंप्लेंट आई आपकी कंपनी में, कंप्लेंट किसके पास आएंगी, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसके पास कंप्लेंट आएंगी, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एचआर डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब दो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है ना, राइट। दो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है ना। तो ये होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, एम्प्लॉय का कल्चर, एचआरएम का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। और वो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्या है बेटा? सिलेबस में नेक्स्ट क्या? स्ट्रेटेजी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। डालिए evaluation डाल दिए। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल लिखिए बेटा उसमें। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज
strategic evaluation and control is? Strategic evaluation and control is the process of determining the process of determining the effectiveness of given strategy, the effectiveness of given strategy in achieving the organizational objective, in achieving the organizational objective. And taking corrective action corrective ke baad action नेक्स्ट लाइन में लिखिए डेफिनेशन गिवन बाय सर उसमें ना हाँ बेटा उसी में नीचे के लाइन में लिखे पैरा करके डेफिनेशन गिवन बाय ये क्या नाम लग रखे हैं Grigsley definition given by Grigsley 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 and Star HL sir spelling iska spelling Grigsley 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 and Star HL STAHL double inverted comma में लिखो double inverted comma में लिखो strategic evaluation and control strategic evaluation and control
इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी is the process of evaluating strategy is the process of evaluating strategy plans strategic plans and monitoring organizational performance and monitoring and monitoring organizational monitoring organizational monitoring organizational performance so that necessary and corrective actions necessary and corrective actions must be taken नीचे के लाइन में लिखिए बेटा पैरा करके नीचे के लाइन में लिखिए बेटा प्यारा करके थ्री फंडामेंटल स्ट्रेटेजी three fundamental strategy evaluation activities are फर्स्ट वन लिखना रिव्यूइंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर सर ये हेडिंग थी क्या नो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था ना नीचे प्यारा करके लिखी ओके सर वन रिव्यूइंग एक उसी में लिखना है बेटा एक ही है वो बस एक्टिविटीज आर के बाद वन लिख लीजिए ब्रैकेट में रिव्यूइंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स
that are the basis of that are the basis for that are the basis for current strategies basis for current strategies करंट स्ट्रेटेजीज सेम में दो करे ब्रैकेट में दो लिखिए सामने ही मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड थ्री ब्रैकेट में थ्री लिखिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन Taking corrective action. Full stop. Strategic evaluation is needed because strategic evaluation is needed because success today is no guarantee sir success ke baad success today is success tomorrow success tomorrow theek hai theek hai beta tomorrow tak hai na sir ha beta tomorrow tak hai लिख लिया सबने स्वाति नहीं सर कहाँ तक लिखा टुमारो कहाँ तक लिखा सर नीडेड के बाद क्या है बाप रे बिकॉज सक्सेस टुडे बिकॉज success today is no guarantee of is no guarantee of sir from it for tomorrow ke baad hai sir
अरे बेटा मुझे एक बात बताइए, शुभांगी ने मुझे पूछा नीडेड के बाद बोलो, शुभांगी ने मुझसे पूछा नीडेड के बाद बताओ, तो मैं नीडेड के बाद बता रहा हूँ ना, सब छोड़ो मुझे बताओ शुभांगी कहाँ तक लिखा? सर गारंटी ऑफ सक्सेस टुमारो, प्रेरिका आपने कहाँ तक लिखा? हो गया सर मेरा, नहीं बताओ आपने कहाँ तक लिखा? गारंटी टुमारो तक, बस वही तक तो है जो कि शुभांगी ने मुझसे फिर से पूछा था, इसलिए मैंने उनको फिर से बताया। ओके सर, हाँ थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।